तकरीबन 30 साल बाद मुलाकात हुई मंसूर भाई से। मंसूर भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मंसूर भाई से पहले भी मुलाकात रही है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगी। मंसूर भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा और भाभी से भी मिलके बहुत अच्छा लगा। मंसूर भाई ने हम सबको जो है यहाँ पे एक कर दिया, इकट्ठे कर दिया, और जितने अच्छे हमारे भाई है उससे अच्छी हमारी भाभी है। तकरीबन 6-8 साल के बाद इनको लाइव देखा जा रहा है। मुलाकातें काफी अरसे के बाद हुई है। मुझे बहुत खुशी है इनके पाकिस्तान आने की और इस तरह मिलजुल के सब साथ बैठे हुए। अगर मैंने अपनी वाइफ को नहीं दिया तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी घर में। प्लीज हमारी बुराई करें, देखिए क्या कहती है। सच ये है कि हमें आपसे प्यार है। भाई ये सुन के हमारी आंखें नीचे झुक चुकी हैं और अब हमारी आंखें जो है शर्म से उठने रही है। Once again, this is Mansoor Naqvi. हमारे तमाम यूट्यूबर को हम एक मैसेज देंगे आज के इस वक्त हम जो है वो पाकिस्तान कराची में जो हमारे पास इस वक्त दी सिग्नेचर मार्कोस के अंदर हॉल के अंदर मौजूद हैं। इसके अंदर हमारे पास जो इस वक्त इतराफ़ में आप देख रहे हैं मेरी 5 लोगों से मुलाकात, किसी से 25 साल के बाद, किसी से 35 साल के बाद, किसी से अब इससे ज़्यादा बताऊँगा तो मेरी एज डिस्कवर हो जाएगी, लेकिन मुलाकातें काफ़ी अरसे के बाद हुई है और इसमें से हमारे पास बहुत से ऐसे खास लोग हैं जिनका हम आपको कोशिश करेंगे एक एक करके इंट्रोडक्शन भी बताएंगे और देखते हैं कि ये क्या कहते हैं लाइव विद मंसूर के बारे में। बस मैं इतना कहूँगा कि तमाम हमारे इस यूट्यूबर की मदद से तमाम ये जो गैप इतनी ज़िंदगी का इतने बड़ा पैदा होता है 30 साल 35 साल या 25 के बाद मुलाकात होती है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा होना ये चाहिए कि इंसान को हर वक्त एक दूसरे के पास खबर जरूर रखनी चाहिए। तो मैं यही चाहूंगा कि हमारे पास कुछ और लोग भी ऑडियंस आ रहे हैं, आ जाएं सर आप भी आ जाएं। ये नुसर साहब हैं जो कि आप इन लोगों की किसी की दाढ़ी पे मत जाएंगे, ये सारे हमारे बच्चे भी हैं, ये मत समझेगा ये कोई मौलवी ग्रुप में फंस गया हूँ, ये सारे बेचारे बड़े एक्टिविस्ट के लोग हैं इतना। और ये दाढ़ी वाले एक ये खड़े हैं दाढ़ी वाले, ये कल का मेरे हाल का बच्चा है। और हम चाहिए बन भाई बन करके हम पहले चलते हैं चची की तरफ, चले हम हमारी हमारी जुड़े अच्छी की तरफ चलते हैं। हम बहुत बहुत हमारी तरफ से सबको ख्याल रखना, अल्लाह इनको सेहत दे, परवरदिगार रिज़्क में इजाफा करे, बहुत ज्यादा बहुत परेशानियों को बाहर आ देना। बहुत शुक्रिया आपका। आप बोलेंगे कुछ थोड़ा सा यू लाइफ विद मंसूर के बारे में? जी मैं सबसे पहले मंसूर भाई उनकी मैसेज को पाकिस्तान आमद पे तहे दिल से मैं खुश आमदीद कहता हूँ और ये एक मौका मिला हमें बड़े अरसे के बाद दोबारा सबसे मिलने का। मुझे बहुत खुशी है इनके पाकिस्तान आने की और इस तरह मिलजुल के सब साथ बैठे हुए। अल्लाह करे ऐसी बहुत सारे हमें जो है ना मौके नसीब हों जो हम सब खुशियाँ शरीक करें आपस में। थैंक यू। मेरी बहुत तकरीबन 30 साल बाद मुलाकात हुई मंसूर भाई से और एज यूजल बिल्कुल बहुत ही यंग लगे, बहुत स्मार्ट एनर्जेटिक लगे, एनर्जेटिक लगे और उम्मीद नहीं ए हाँ नहीं एज तो मर्द की पता नहीं चलती ना, आपकी भी नहीं पता चलती, मेरी भी नहीं पता चलती। बाकी ये है कि उम्मीद करेंगे कि आइंदा भी इसी तरह मिलते रहे, ये नहीं कि ओकेशन ओकेशन हो, बाकी ये है कि अच्छा लगा बहुत अच्छे बात देख के। थैंक यू। हमारे पास जो एक ये खड़े हैं मौलवी साहब, या तुम कोई अरबी में कुछ नहीं बोलना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सबसे पहले तो मंसूर भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया और वेलकम टू पाकिस्तान अगेन। काफी अरसे बाद मुलाकात हुई है, तकरीबन 6 साल बाद मुलाकात हुई है और ये मैं इनका ताया भी लगने लगा हूँ, हालांकि ये मेरे ताया के बेटे हैं बड़े। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मंसूर भाई से पहले भी मुलाकात रही है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगी और ही इज वेरी बेस्ट और हम सबके बड़े हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी आदत के, अल्लाह ताला इनको बहुत सारी कामयाबी दे और अल्लाह ताला हमेशा इनको कामयाब करे और खुश रखे इनके बच्चों को, इनको। अस्सलाम वालेकुम। मंसूर भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा और भाभी से भी मिलके बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह से नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं लोग, मौला इनको जिंदगी दे, सेहत दे,
माशाल्लाह बहुत मजा आया, बहुत इंजॉय किया। अस्सलाम वालेकुम, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मंसूर भाई ने हम सबको जो है यहाँ पे एक कर दिया, इकट्ठे कर दिया। और जितने अच्छे हमारे भाई हैं उससे अच्छी हमारी भाभी है। हम लोग उनका चैनल जो है बहुत शौक से देखते हैं, हमारे बच्चे बच्चे बहुत शौक से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, लाइव भी मंसूर, तो मंसूर भाई को तो मुसलसल फेसबुक पे देख रहे हैं और तकरीबन 6-8 साल के बाद उनको लाइव देखा जा रहा है और माशाल्लाह हमारे खानदान में आए और तकनी हद तक इन्होंने एनर्जी डेवलप की है तमाम लोगों के साथ और इंशाल्लाह ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। और मैं अक्सर बेहतर इनके वीलॉग्स वगैरह पे देखते रहते हैं लेकिन काफी अरसे बाद इनको लाइव देखा और उसकी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच मंसूर भाई का, स्पेशली के उन्होंने फैमिली गैदरिंग बहुत अरसे बाद ज्वाइन करी यहाँ पे अपने कीमती टाइम में से, जो कि बहुत बिजी रहते हैं एज यूजुअल यहाँ भी और कनाडा में भी, मगर उसमें से इन्होंने टाइम निकाला, बहुत थैंक्स करेंगे इनका और इंशाल्लाह मिलते रहे हमेशा, शाद रहे आबाद रहे। थैंक यू। ओके, अगर मैंने अपनी वाइफ को नहीं दिया तो बहुत प्रॉब्लम है घर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सोचते हैं इनसे कहा जाएगा प्लीज हमारी बुराई करें, देखिए क्या कहती है। सच ये है कि हमें आपसे प्यार है भाई, ये सुन के हमारी आंखें नीचे झुक चुकी हैं। आप जन्नती आ गए, और जन्नती आ गए, और अब हमारी आंखें जो है शर्म से उठ नहीं रही है। हमें उम्मीद है कि आपको ये एक कोलैबोरेशन जरूर पसंद आई होगी और मैं चाहूंगा कि ऐसी वीडियो यकीनन आप सब शेयर करें। वंस अगेन थैंक यू, दिस मंसूर नकवी।